एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि काम वासना से ऊपर कैसे उठा जाए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत से साधक जानना चाहते हैं। वे बार बार कमेंट करते हैं, बार बार मेल करते हैं। वे कहते हैं, काम वासना ने मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, मैं बहुत कुछ करना चाहता था। मैं अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता था। हम ऐसा करना चाहते थे जो आज तक किसी ने ना किया हो, लेकिन इस काम वासना ने हमारा दिमाग भ्रष्ट कर दिया है, समस्त जीवन बर्बाद कर दिया है। वे कहते हैं, हम हमेशा काम वासना के बारे में ही सोचते हैं, हर समय स्त्रियों के बारे में ही सोचते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, भविष्य में क्या कर पाएंगे। इसकी चिंताएं उन्हें खाए जा रही हैं। हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, यहाँ तक कि बाल भी झड़ने लगे हैं। वे कहते हैं कि हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बार बार मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कृपया उचित मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले साधकों की उम्र 20 से 25 वर्ष है, और इस उम्र में काम वासना का हावी होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर वासनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं, वासनाओं से छुटकारा नहीं मिल रहा है, वे सोच रहे हैं कि इस कृत्य से कैसे बाहर निकला जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। आपको 30 दिनों तक इस प्रयोग को करना है, और इन 30 दिनों के भीतर आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको मेरे द्वारा बताई गई इन चीज़ों पर प्रबल और अटूट विश्वास रखना है, तभी आप काम वासना के इस जंजाल से मुक्त हो पाएंगे। तो उस प्रयोग के लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको सात्विक भोजन करना है। दूसरा, ध्यान मेडिटेशन करना है। तीसरा, योग व्यायाम करना है। और चौथा, इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा रखना है। और पांचवा और अंतिम बात कि आपको सारे छोटे निर्णय ही लेने हैं। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्रयोग को 30 दिनों तक कर लेते हैं, तो आप काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, इस एक महीने के प्रयोग के दौरान आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी, जैसे आपके अंदर बेचैनी पैदा होगी, तनाव पैदा होगा, क्रोध आएगा, खुद से घृणा भी होने लगेगी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसे जागरूकता के साथ देखना है, साक्षी होना है। जब भी आपको लगे कि आप तनावग्रस्त हो रहे हैं, वासनाएं जकड़ रही हैं, आपके भीतर कुछ अलग ही परिवर्तन कर रही हैं, तब इस अवस्था में आपको वह कार्य करना चाहिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यदि आप चित्रकारी करना चाहते हैं तो चित्रकारी कीजिए, पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, खेलने का मन है तो खेलिए, लेकिन इस वासना को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे सृजन का बीज आपके अंदर उत्पन्न हो जाए और वासनाओं का यह चक्र धीमा हो जाए। इस प्रयोग के दौरान बीच बीच में आपकी काम वासना बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी, खासकर 2 दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। इस दिन आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इन दिनों पर साधक अपने द्वारा किए गए प्रतिज्ञा को, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या यूँ तो खगोलीय घटनाएँ हैं, लेकिन ज्योतिषियों की नज़र में पूर्णिमा के दिन मोहक दिखने वाला और अमावस्या पर रात में छुप जाने वाला चांद अनिष्टकारी होता है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि चंद्र ग्रह मनुष्य को मानसिक तनाव देने के साथ ही कई बार आपराधिक कृत्य के लिए भी प्रेरित करता है। और विज्ञान कहता है, मानव शरीर 80% जल से बना है, जिसकी वजह से मन तथा मस्तिष्क पर चंद्रमा का असर अधिक होता है। यह प्रभाव पूर्णिमा और अमावस्या पर अधिक दिखाई देता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में हलचल ज्यादा होती है। इसी प्रकार यह मानव शरीर भी समुद्र की भांति है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मनुष्य के भीतर बहुत बदलाव होते हैं, इसलिए काम वासना इन दिनों में और भी प्रबल हो सकती है। तो आपको इन दिनों में
और ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, 30 दिन के इस प्रयोग में आपका पहला दिन तो बहुत आसानी से बीत जाएगा, क्योंकि शुरुआती पहला दिन आप मेरी सभी बातों को ध्यान रखेंगे, आप पर मेरी बातों का असर होगा, इसलिए आप ज्यादा सावधानी बरतेंगे और दूसरे दिन भी आप आसानी से अपने इस प्रयोग में सफल हो जाएंगे। परंतु तीसरे दिन आपके भीतर थोड़े बदलाव आते हैं। हो सकता है आपका मन व्यायाम करने को ना कहे, ध्यान में बैठने को ना कहे, आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान योग जबरदस्ती करेंगे। आप करेंगे क्योंकि आपसे यही कहा गया है कि आपको सात्विक भोजन लेना है, ध्यान करना है, व्यायाम करना है और अपनी सभी इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा देना है, छोटे निर्णय लेने हैं, बड़े निर्णयों से बचना है। तो ये चीजें आप पर काम करती हैं, लेकिन तीसरे दिन थोड़ी शिथिल हो जाती हैं और आप भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जोर जबरदस्ती करके, दमन करके आप इन पांचों चीजों को करते हैं। अब आप ऐसा ही 10 दिन भी बिता देते हैं, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जो चीज आप लगातार करते आ रहे हैं उसे एकदम से बंद कर देते हैं। जिस कार्य में तुम वर्षों लिप्त रहे उसे एकदम से छोड़ दोगे तो वह कुछ समय के लिए तो शांत हो जाएगी, परंतु एक दिन और भी ज्यादा प्रबल हो उठेगी और यह जब प्रबल रूप लेगी तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। ऐसा नहीं है कि यह केवल आपके साथ होगा या हुआ है, यह सभी व्यक्तियों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा आप मेरी बातों पर कम ध्यान देने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है मैं आपको बहुत बुरा लगने लगूं, आप मुझे कोसने लगें, आपको मेरी सारी बातें बुरी लगने लगेंगी, आप कहेंगे कि क्या हम इस फिजूल की बातों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे जीवन जिया है हमने, अरे जिस कार्य के लिए हम पैदा हुए हैं क्या वह कार्य भी ना करें, हमें खुशी भी तो चाहिए। अब तक जो स्त्रियां आपको केवल सुंदर लगती थी, अब वो स्त्रियां आपको अति सुंदर लगने लगेंगी। अब तक आप जिसे काम वासना कह रहे थे वह आपको प्रेम लगने लगेगा, और आपको जब वासना प्रेम नजर आने लगती है फिर कोई भी दवाई कार्य नहीं करती, कोई भी ध्यान मेडिटेशन काम नहीं करता। अब आप वही करेंगे जो आपका मन कह रहा है, क्योंकि आपने काम वासना को प्रेम से रिप्लेस कर दिया है। और जैसे ही अमावस्या या पूर्णिमा का दिन आया, ये चीजें आपके अंदर और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएंगी। अब हो सकता है आप इस पूर्णिमा के या अमावस्या के दिन अपने आप को ना संभाल पाएं और काम वासना में लिप्त हो जाएं, और आप जैसे ही काम वासना में लिप्त हो जाते हैं फिर वही तनाव, वही परेशानी, वही प्रश्न आपके दिमाग में घूमने लगता है। तब आपको जो स्त्री सुंदर से अति सुंदर लग रही थी, अब वह सब सुंदरता खत्म हो जाती है। एक दो दिन आपको पछतावा होगा, पछतावे में बिताएंगे आप कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे अपराध हो गया है, कुछ गलत तो कर ही दिया है मैंने, अब इसका पश्चाताप मैं कैसे करूं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में फिर कमेंट करेंगे या मुझे मेल करेंगे कि सर मैं इन काम वासनाओं के जंजाल में बहुत फंस चुका हूं, वासनाएं मुझे घेरे हुए हैं, मैं इन परेशानियों से नहीं निकल पा रहा हूं, क्या करूं, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। मेरा फिर यही जवाब होगा कि आप इन पांच चीजों पर ध्यान दीजिए, सात्विक भोजन, ध्यान, व्यायाम, इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा, और कोई भी निर्णय जो भी आप लें वह निर्णय छोटा होना चाहिए। अब आपको यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि फैसले छोटे और बड़े कैसे हैं। देखिए, 2-4 दिन तो आप अपनी इस प्रयोग को कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु जैसे ही 5वें या 6ठे दिन आपके अंदर वासनाओं से रिलेटेड प्रश्न आने लगे, आप वासनाओं से वशीभूत होने लगे, वासनाएं सुंदरता में परिवर्तित होने लगे, तो आपको यहीं पर वीडियो को दोबारा से देखना है, दोबारा मैंने क्या कहा है इस चीज को सुनना है, अपने आप को दोबारा मोटिवेट करना है, तब आप आगे का सफर कर पाएंगे। क्योंकि जब वासनाएं सुंदरता में परिवर्तित होती हैं तब आप जो फैसला लेते हैं वो फैसला अति लेवल का होता है, बड़ा फैसला होता है, परंतु आप उस बड़े फैसले को ना लेकर वीडियो को दोबारा देखते हैं तब आपको यह समझ आने लगता है कि यह फैसला जो मैं ले रहा हूँ वह बहुत बड़ा फैसला है। छोटे फैसले आपको आगे की ओर प्रेरित करते हैं,
लेकिन बड़े फैसले कभी कभी आपको गर्त में डुबो देते हैं, तो आपको छोटे छोटे फैसले ही लेने हैं और अपनी इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा देकर साक्षी होना है। यह समझना है यह संसार क्या है, इस संसार में जो सब कुछ चल रहा है क्यों चल रहा है, इसका रीज़न क्या है, आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब आप साक्षी होकर देखना प्रारंभ कर देते हैं तब आपके अंदर परिवर्तन स्वाभाविक है। आप न केवल वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं बल्कि संसार के सत्य को जानने लगते हैं। आप सांसारिक मोह से दूर होने लगते हैं, खुद में केंद्रित होने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद में केंद्रित होता है तो फिर उसे वासनाएं ना तो जकड़ पाती हैं और ना ही किसी भी तरफ धकेल पाती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।